नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB इलाहाबाद जोन में NTPC CBT2 के लेवल 2 और लेवल 5 के रिजल्ट आने के बाद जो भी कट ऑफ आया है, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए लेवल 2, 3 और 5 में कितना कट ऑफ जा सकता है RRB इलाहाबाद जोन से, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से कि आप टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें RRB इलाहाबाद जोन में लेवल 2 और लेवल 5 का टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जो काट ऑफ आया है, यहाँ पे अगर हम बात करें लेवल 5 के लिए UR के लिए जो काट ऑफ आया दोस्तों आपका 82.69, जो आपका काफ़ी हाई काट ऑफ गया है एज़ कम्पेयर टू अदर जोन। SC की अगर हम बात करें 71.93, ST की 67.23, OBC का 81.01 और EWS का 78.99 काट ऑफ गया है RRB इलाहाबाद जोन से, जो आपका काफ़ी हाई है। इलाहाबाद जोन में अगर हम लेवल 2 की बात करें तो UR के लिए 81, SC के लिए 70, ST के लिए 64.34, OBC के लिए 77.34 और EWS के लिए 76 काट ऑफ गया है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इलाहाबाद जोन में वैकेंसी, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है वैकेंसी टेबल। यहाँ पे दोस्तों, जो नॉन टाइपिंग का पोस्ट है यहाँ पे RRB इलाहाबाद जोन से, दो रेलवे है, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे। जो आपका गुड्स गार्ड का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो गुड्स गार्ड का पोस्ट है ये आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं RRB इलाहाबाद जोन से गुड्स गार्ड में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 1014 वैकेंसी, यानी कि 1000 प्लस वैकेंसी RRB इलाहाबाद जोन से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड्स गार्ड के लिए जो है काट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जा सकते हैं इलाहाबाद जोन से। उसके दोस्तों, अगर हम बात करें गुड्स गार्ड यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे में, तो यहाँ पे 392 वैकेंसी है RRB इलाहाबाद से। उसके दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे लेवल 5 में और एक पोस्ट है जो आपका नॉन टाइपिंग है, जिसमें दोस्तों आपका आता है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो आपका लेवल 5 में है। इसमें भी वैकेंसी बहुत अच्छा है दोस्तों, आप देख सकते हैं 483 वैकेंसी है, तो इसमें भी काट ऑफ जो है कम जाने का मैक्सिमम चांसेस है। सीनियर कमर्शियल का टिकट क्लर्क यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे के लिए यहाँ पे 262 वैकेंसी है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए यहाँ पे 483 वैकेंसी है। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो आपका लेवल 3 का पोस्ट है, यहाँ पे भी दोस्तों वैकेंसी आप देख सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी अच्छा खासा है दोस्तों, 226 वैकेंसी RRB इलाहाबाद जोन से। और वही दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे में, तो यहाँ पे 43 वैकेंसी है RRB इलाहाबाद जोन से। लास्ट दोस्तों पोस्ट आता है आपका जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है आपका ट्रेंस क्लर्क, जहाँ पे दोस्तों जो आपका लेवल 2 के अंदर आता है, यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों टोटल 55 वैकेंसी है ट्रेंस क्लर्क नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में, और नॉर्दर्न रेलवे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे 30 वैकेंसी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं RRB इलाहाबाद जोन से जो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है एज़ कम्पेयर टू अदर जोन, दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, अगर हम बात करें गुड्स गार्ड की, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की, उसके बाद अगर हम बात करें कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, और उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेंस क्लर्क, इन जो चार पोस्ट है, इन चार पोस्ट में आपका जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी RRB इलाहाबाद जोन से। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे RRB इलाहाबाद जोन से इस बार जो है नॉन टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि लेवल 2, 3 और 5 में जो एक्सपेक्टेड काट ऑफ जितना जा सकता है, अगर हम बात करें UR के लिए, अगर आंसर की आने के बाद दोस्तों UR में अगर आपका 95 से लेकर 98 के बीच में मार्क्स आ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों आपका जो है काट ऑफ क्लियर हो जाएगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों RRB इलाहाबाद जोन में यहाँ पे जो है वैकेंसी आप देख सकते हैं, जो काट ऑफ गया है UR के लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे 82.69 गया है, तो मैक्सिमम चांसेस है अगर आपका मार्क्स 95 से लेकर 98 के बीच में आ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका काट ऑफ जो है 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप UR कैंडिडेट हो। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें OBC के लिए, यहाँ पे 85 से लेकर 92 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है आंसर के आने के बाद, तब भी दोस्तों यहाँ पे चांसेस है कि आपका 100% जो है आपका यहाँ पे काट ऑफ क्लियर हो जाएगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। SC के दोस्तों अगर हम बात करें 77 से लेकर 82 और ST के दोस्तों यहाँ पे 70 से लेकर 75 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस आपका काट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे EWS के लिए 84 से लेकर 90 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आपका मैक्सिमम चांसेस है इस बार काट ऑफ क्लियर हो जाएगा RRB इलाहाबाद जोन से नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, ये था आपका काट ऑफ, एक्सपेक्टेड काट ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।